बताइएगा, फिल्म के मदद से बताइएगा क्या कहानी है इसकी, आपका क्या रोल है, क्या मैसेज है इसमें, थोड़ा सा जी। टच बटन जो है वो एक हमारे दिलों से बड़ी करीब ये कहानी है जो हमने ऑडियंस को हम सुनाना चाहते हैं। और इसमें आप अच्छा म्यूज़िक देखेंगे, आप फैमिली वैल्यूज़ देखेंगे, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, तो हमने तो अपनी तरफ से सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, अब ऑडियंस बताएगी कि कैसा है। जस्ट फिल्म का कौन सा ऐसा सीन है जो आपको करके बहुत मज़ा आया, जो यादगार बन गया? अच्छा, हर दिन बहुत यादगार था। एक तो एज ए प्रोड्यूसर हर दिन सीखते सीखते चीज़ें हो रही थी, तो मेरे लिए तो इट वॉज़ अ बिग लर्निंग, तो मेरे लिए तो हर दिन जो है वो एक यादगार दिन था। अच्छा, कौन सा ऐसा मुश्किल सीन है जो बताना चाहते हैं, जो बार बार आपको करना पड़ा और मुश्किल भी मिली? नहीं, सारे एक्टर्स ही जो हमने रखे हैं, जब आप स्क्रीन पर फिल्म देखेंगे तो वो अपनी जगह पे बड़े अच्छे से फिट इन होते हैं, हर किरदार कहानी को आगे लेके जा रहा है। और जब आप हमारी पूरी कास्ट देखेंगे तो कवि साहब, सुहेल साहब, राहिला आगा, मरीना खान, समिया मुमताज़, राहिला जी, हुमैरा जी, तो जो मतलब यंगस्टर्स के अलावा भी जो हमारी सीनियर कास्ट भी है वो भी ऐसी है कि सब ने अपनी जगह पे अपना बेस्ट दिया। अच्छा, आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के लिए चैनलों का रुख करेंगे और पाकिस्तान के फिल्म के हवाले से लोगों के अंदर फुर्सत पाया जाता है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती, तो ये लोगों को खींच कर लेकर आएगा ये फिल्म चैनलों के अंदर? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है, हमने अपना बेस्ट दिया है इस फिल्म में, और ऑडियंस पहले ही जो पहले फिल्में आ रही हैं उनको बड़े अच्छे से रिसीव कर रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को भी पसंद करेंगे, और ताकि हम भी अप्रिशिएट हो आगे और अच्छी अच्छी फिल्में बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।